पाकिस्तान भर में ईद उल अधा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तमात मुनक्किद किए गए। मुल्क कौम और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी। सदर मुमलकत और वजीर आजम की जानिब से कौम को ईद उल अधा की मुबारकबाद। कौम से SOPs के साथ ईद मनाने की अपील। अपने पैगाम में कहा कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें कुर्बानी का जज्बा ना हो। मुल्क की मईशत द्रुत सिंह पर आ चुकी है। अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं, लापता होने का है। जब कोई अगवा करता है तो मुतालबात करता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफीर की बेटी के मामले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा रहा है। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात के बाद नतीजे के करीब पहुंच चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खत्मे नतीजे तक पहुंचने के लिए अफगान सफीर और उनकी साहबजादी का तावुन दरकार है। मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है, यही वजह है कि मरियम नवाज मोदी की बात नहीं करती। फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ ने मरियम को मोदी के खिलाफ बात करने से रोका हुआ है। मरियम जो बोलती हैं वो भारत में हेडलाइन बनती है। हुकूमत चलाना PTI के बस की बात नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म ढा रहा है। आजाद कश्मीर में शिफाफ इंतहाबात हुए तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। मुर्तजा बहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तायुनाती हुकूमत सिंध का इख्तियार है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम ईद के बाद सिंध आए, मालूम नहीं इमरान खान सिंध में किसके साथ इतिहाद करते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में कई इतिहाद आए और गए। और जानलेवा वायरस के हमले जारी। मुल्क भर में मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से मजमू अमवात की तादाद 22,888 हो गई। मुस्बत केसेस की तादाद 6.26% रिकॉर्ड की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान भर में ईद उल अधा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तमात मुनक्किद किए गए। सुन्नत इब्राहिमी की याद में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। नमाज ईद के इज्तमात में मुल्क कौम उम्मत मुसलमा और खासकर कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हिफाजत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। ईदगाहों और मसाजिद पर नमाज ईद के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जहां पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात थी। सदर मुमलकत और वजीर आजम ने कौम को ईद उल अधा के मौका पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कौम से SOPs के साथ ईद मनाने की अपील की है। सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि कोरोना वबा ने तमाम इंसानियत को किसी न किसी तरह मुतासिर किया। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ईद उल अधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एसार और कुर्बानी की याद ताजा करती है। ईद पर गरीबों और जरूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। वजीर आजम इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि ईद पर पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें कुर्बानी का जज्बा ना हो। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत पर आ चुकी है। PTI हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के नतीजे में मुआशी अदाद शुमार हौसला अफजा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के शाना बशाना खड़ा होगा।
विफाकी वजीरे दाखला शेख रशीद ने कहा है कि अफगान सफीर की बेटी की बातें तहकीकाती इदारों की तफ्तीश से मुताबकत नहीं रखती। रात 2 बजे जाकर अफगान सफीर की बेटी से दरखास्त वसूल की, उनका मामला इकवा का नहीं लापता होने का है। विफाकी वजीर दाखला शेख रशीद अहमद ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं। अफगान सफीर की बेटी के मामले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा रहा है। अफगान सफीर की बेटी ने 4 टैक्सियां तब्दील की और चंद घंटे के लिए लापता हुई। जब कोई इकवा करता है तो मुतालबात करता है, ऐसा नहीं हुआ। 4 टैक्सियों के ड्राइवरों से पूछगिछ की गई। हमारी तहकीकात के मुताबिक किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगान सफीर की बेटी के मुबैना इकवा की तहकीकात के बाद नतीजे के करीब पहुंच चुके हैं। अफगान सफीर की बेटी की तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई। अफगान सफीर की बेटी जिन टैक्सियों में बैठी उनके ड्राइवर्स के बयानात रिकॉर्ड किए गए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 700 घंटों की फुटेज का जायजा लिया गया और 250 के करीब अफराद से शिफाफ पूछगिछ की गई। ताहम अब हम नतीजे के करीब पहुंच चुके हैं। हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए अफगान सफीर और उनकी साहबजादी का तावुन दरकार है। एक सवाल के जवाब में वजीर खारजा ने कहा कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए जासूस नेटवर्क इस्तेमाल होता है। लोगों ने जासूस नेटवर्क को किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वजीर मुमलकत बराए इतलात फरूख हबीब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है, यही वजह है कि मरियम नवाज मोदी की बात नहीं करती। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने मरियम को मोदी के खिलाफ बात करने से रोका हुआ है। मरियम जो बोलती है वो भारत में हेडलाइन बनती है। फरूख हबीब का कहना था कि नवाज और मोदी के ताल्लुकात तो आज भी जिंदा है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 62 पाकिस्तानियों की ईद के मौका पर मुल्क वापसी के लिए वजीर आजम मसीहा बने और ईद पर पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज का इंतजाम किया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि कश्मीर का इलेक्शन शिफाफ हो तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उम्मत मुसलमा को ईद की मुबारकबाद पेश की। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि काबुल के हालात ठीक होंगे तो इस्लामाबाद के हालात ठीक होंगे। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म ढा रहा है, आजाद कश्मीर में शिफाफ इंतहाबात हुए तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि मुर्तजा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तायुनाती हुकूमत सिंध का इख्तियार है। मुराद अली शाह ने कहा कि अच्छी बात है कि ईद के बाद वजीर आजम सिंध आए। वजीर आजम बनने के बाद वो सिंध में आज तक एक रात भी नहीं रुके। सिंध के लोगों को अपना फैसला करने का हक है। मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान सिंध में किसके साथ इतिहाद करते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में कई इतिहाद आए और कई गए, लेकिन सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अल्लाह ताला का फैसला हमेशा पीपल्स पार्टी के हक में होता है। मुराद अली शाह ने कहा कि मुर्तजा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तायुनाती हुकूमत सिंध का इख्तियार है। गवर्नर सिंह समेत PTI को एडमिनिस्ट्रेटर की तकरीर पर एतराज का हक नहीं है। मुल्क भर में ईद उल अधा पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस NCOC ने आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। ताहम आवाम की जानिब से ज्यादातर मकामात पर SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6.26% पर आ गई है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 51,529 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 9,96,451 तक पहुंच गई। कोरोना केसेस में फिर तेजी से इजाफा हो रहा है। मजीद 2,579 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 9,22,034 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं।
इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना है।